राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और क्षत्रिय महासभा ने सम्राट भोज प्रतिहार प्रतिमा पर गुर्जर लिखने के विरोध में कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर सांसद और विधायक पर अनावरण में शामिल होने को लेकर निशाना साधा। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना और क्षत्रिय महासभा ने कहा कि विगत दिनों ग्वालियर में क्षत्रिय समाज मेहर भोज प्रतिहार को गुर्जर सम्राट के रूप में अपना पूर्वज बताया, जबकि सर्व विदित है कि महाराजा मेहर भोज एक क्षत्रिय राजा थे। गुर्जर समाज के द्वारा जो इतिहास में छेड़छाड़ की गई है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संपूर्ण क्षत्रिय समाज एक झंडे के नीचे उन सभी समाज विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की ऊंची मानसिकता अब क्षत्रिय समाज स्वीकार नहीं करेगा और सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के आगे से गुर्जर सम्राज हटाया जाए, जो कि ग्वालियर झांसी रोड चौराहे पर अनावरण किया गया था। उस मूर्ति पर जो गुर्जर समाज की नाम की पट्टिका हटाई जाए और दोबारा से अनावरण किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो कर्णी सेना और क्षत्रिय महासभा के द्वारा आंदोलन होगा। साथ ही प्रतिमा अनावरण में शामिल हुए ग्वालियर सांसद विवेक शेजवलकर और विधायक सतीश सिकरवार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब इतिहास के विषय में जानकारी नहीं थी तो प्रतिमा का अनावरण करने क्यों पहुंचे। राष्ट्रपति और राज्यपाल से सांसद विधायक को निष्कासित करने की मांग की। राष्ट्रीय कर्णी सेना और क्षत्रिय महासभा के द्वारा भिन्न कलेक्ट्रेट में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार वंश की वंशावली भी दर्शाई गई है। राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा हमारा जो ज्ञापन सौंपा गया है, जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ हुई है, जो क्षत्रिय वंश के राजा थे मिहिर राज, उनको गुर्जर वंश का दिखाया गया है। हम इस चीज़ का ग्वालियर में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। इसी से संबंधित हमने आज ज्ञापन सौंपा है। जब प्रतिमा को भदौरिया चंबल संभाग महासचिव विभाग हमारी श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा पंजीकृत भिंड, हमारा हमें निर्देश श्री अशोक सिंह भदौरिया जो संघ रक्षक राष्ट्रीय महासभा के हैं और प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राज, उनके अनुसार पर मुझे कल जानकारी मिली है मेयर भोज की प्रतिमा पर जो गुज्जर समाज ने उसमें अपना अवलोकन कराया और जो सांसद ग्वालियर के उनने उसका अनावरण किया है। हमारे समाज से जो छेड़खानी करेगा उसके लिए किसी भी समाज का हो तो उसको कर्णी सेना, राजपूत भाई, राजपूत समाज सभी खुलकर विरोध करेंगे। अभी मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है, अगर इसमें कार्रवाई होती है तो ठीक है। श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में आंदोलन करेगी।